दिवाली का त्यौहार केवल दिए जलाकर रोशनी करने का नहीं है, ये हमारी आत्मा को भी रोशन करने का अवसर है। भगवान राम ने बुराई पर अनुशासन, अटलता, सहनशीलता और द्विकता और अपने धर्म पर अटल रहने से विजय प्राप्त करी। क्या ये वही संस्कार नहीं है जो हम अपने बच्चों में भी इनकल्केट करना चाहते हैं? नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच, और आज मैं डिस्कस करूंगी उन संस्कारों के बारे में जो हमें दिवाली से सीखने को मिलते हैं। वो संस्कार जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को शेप करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मेक दीज वैल्यूज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। फर्स्ट, अनुशासन या डिसिप्लिन। दिवाली ब्रह्म मुहूर्ता में प्रारंभ होती है, यानी कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, लगभग सुबह के 4 बजे। ये जल्दी उठना अनुशासित जीवन का एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है, और ये सिंबॉलिक है मेंटल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये माना जाता है कि जिन संतों ने ये प्रथा शुरू करी, वो इसको जीवन का नॉर्म बनाना चाहते थे, पार्ट ऑफ द डेली लाइफ बनाना चाहते थे। प्रातःकाल के प्रारंभ का समय एक आइडियल टाइम है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, ज्ञान और नैतिक अनुशासन प्राप्त करने का, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करने का, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन अटेन प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल सक्सेस। हाउ डू वी इनकल्केट दिस नाउ किड्स? अगर आप अपने बच्चे को हर सुबह जल्दी जगाने की कोशिश करते करते थक गए हैं, तो इस दिवाली को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उपयोग करिए। अपने बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए, डिस्कस करिए। इस दिवाली के दिन से 30 दिनों के लिए एज अ फैमिली जल्दी जगने का प्लान करिए। पहले हफ्ते में ये मुश्किल होगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर स्पेशली फॉर योर किड्स, लेकिन अगर आप अपना मोटिवेशन बनाए रखते हैं तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सेकेंड, अच्छाई या गुडनेस। दिवाली उत्सव है कृष्ण भगवान की राक्षस नरकासुर पर विजय का। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। माना जाता है मनुष्य 3 गुणों से बना है, सत्व, राजस और तमस। सत्व यानी कि गुडनेस, अच्छाई और शांति। राजस मतलब पैशन, एक्टिविटी और मूवमेंट। और तमस सिंबलाइज करता है आलस्य, इनर्शिया और इग्नोरेंस। क्योंकि इसमें से कोई भी गुण हम में से किसी में भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, इसमें इम्बैलेंस या संतुलन होना चाहिए, राइट? और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों में गुडनेस या अच्छाई की वैल्यू नर्चर करें। सो हाउ वी कैन इनकल्केट दिस इन आवर किड्स? अपने बच्चे को हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा काम मतलब आपको घर के काम में मदद करना, किसी फ्रेंड को हेल्प करना, इवन स्मॉल सिंपल थिंग्स। जब आप डिनर खाने बैठते हैं एज अ फैमिली, यू कैन डिस्कस किसने उस दिन एक अच्छा काम क्या किया, वॉट वॉज अ वन गुड थिंग दे डिड टूडे, राइट? एंड यू कैन लीड द वे बाय टॉकिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस एंड वॉट यू डिड। आप एक फैमिली जर्नल भी बना सकते हैं जिसमें जो अच्छी चीज़ें आपने शेयर करी हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, और फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पर या किसी के बर्थडे पर साथ में बैठ कर इसको पढ़ सकते हैं। You will be surprised at the number of good deeds you've done as a family. Third, divyata ya divinity. Divinity is the source of happiness. Swami Vivekananda ke anusar, pratyek atma divya hoti hai. Each soul is potentially divine. Hamara lakshya hona chahiye apne bhitar ki divinity ko manifest karna. Diwali pe hum mitti ke diye kyun jalate hain? Because this is symbolic of, lighting up our own divinity. अपने अंदर की दिव्यता को प्रज्वलित करने का ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, उसी तरह मनुष्य ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। हाउ वी कैन इनकल्केट दिस इन आवर किड्स? सभी धर्मों की दिव्यता की कहानियाँ बच्चों को पढ़कर सुनाइए, उन्हें डिफरेंट पूजा स्थलों पर लेके जाइए और डिस्कस करिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रार्थना, हम पूजा क्यों करते हैं। उन्हें समझाइए कि ईश्वर पर भरोसा अंधविश्वास से अलग होता है। फोर्थ, सहनशीलता या टॉलरेंस। दिवाली केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन्स इसे उस दिन के रूप में मनाते हैं
जब वर्धमान महावीर जो उनके लास्ट टीचिंग गॉड थे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। सिख इस दिन को ग्वालियर जेल से गुरु हरगोबिंद की रिहाई को सेलिब्रेट करने के लिए बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेपाल में लोग इस दिन को राजा अशोक के बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने की एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए दिवाली धर्मों के भाईचारे और ब्रदरहुड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो हाउ कैन वी टीच आवर किड्स टू बी मोर टॉलरेंट? अपने बच्चे को दुनिया भर के डिफरेंट कल्चर्स के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताइए, डिस्कस करिए, बाय देम बुक्स, अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। आर किड्स विल एक्चुअली मॉडल हाउ वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट लुक सो डिफरेंट देन आवर्स। एंड हाउ यू कैन मेक दिस फन, एक मिनी क्विज ऑर्गेनाइज करिए कल्चर्स के फूड्स, ट्रेडिशंस, ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड कॉल ऑल द किड्स इन योर नेबरहुड, आस पड़ोस के बच्चों को भी इन्वाइट करिए। एंड इट्स गोना बी अ वन फन पैक वीकेंड। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यू, परसिस्टेंस या अटलता। राम जो एक राजकुमार थे और जिनको सभी सुख सुविधाओं का एक्सेस था, उन्होंने 14 साल वनवास में बिताए। सीता की खोज में उन्होंने कई बाधाओं, कई ऑब्स्टिकल्स का भी सामना किया, लेकिन वो कभी नहीं डगमगाए। ही नेवर गेव अप डूइंग व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू। सीता भी अपने विश्वास पर अडिग रहीं कि वे रावण की कैप्टिविटी से मुक्त होंगी। इतनी सारी बाधाओं और हर्डल्स के बावजूद राम और सीता को विश्वास था कि वो सफल होंगे। सो हाउ वी कैन इनकल्केट दिस इन आवर किड्स? सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दैट फेलियर्स आर नॉट बैड, दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट। ये हमें खुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। टू परसिस्ट यू नो डिस्पाइट फेलियर्स, वी हैव टू व्यू फेलियर्स एज इम्पॉर्टेंट लेसन्स। हर बार जब आपका बच्चा गलती करता है तो उनसे पूछिए उन्होंने इससे क्या सीखा, एंड वॉट वुड दे डू डिफरेंटली द नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।